ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया ए टू ई एकेडमी जो आपको आईएलटीएस कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, टीचर वन टू वन आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन डाउट्स कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहे। सो यूके में एक न्यू अपडेट आने वाला है जी 31/12/2024 को। जी हाँ, जितने भी बीआरपीस अब इशू हो रहे हैं, चाहे आप 3 साल के डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं, चाहे आप किसी वर्क परमिट पे जा रहे हैं, मतलब ऐसे कोर्स में भी जा रहे हैं जो कोर्स 2024 के बाद खत्म होगा, तो भी आपको जो बीआरपी मिलेगा वहां पे जाके वो 31/12/2024 तक ही वैलिड रहेगा। इससे आगे पीरियड का किसी को भी बीआरपी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से यूके गवर्नमेंट बीआरपी सिस्टम को बंद करने जा रही है, अबॉलिश करने जा रही है, और उसके बाद ये बीआरपी सारा का सारा डिजिटल हो जाएगा और उसमें पूरा यूरोप भी कनेक्ट हो जाएगा। सो इसमें टेक्निकली किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप यूके फाइल लगा रहे हैं, चाहे स्टडी वीजा लगा रहे हैं, अपने यूरोप की कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री रिफ्यूजल हाइड ना करें, क्योंकि ये डेटा आने वाले दिनों में शेयर हो जाएगा और जो किसी तरह से भी आपको ट्रबल ना करे अगर आपने प्रेजेंटली उस इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया। ये एजेंट्स ध्यान से सुन लें, किसी बच्चे के साथ ये ना करें। ये बीआरपी को लेके चेंजेस आपके किसी तरह का भी वीजे को अफेक्ट नहीं करेंगी, आपके पीरियड को अफेक्ट नहीं करेंगी, आपकी स्टडी को या वर्क परमिट को अफेक्ट नहीं करेगा, वो सब कुछ वैसे का वैसे चलता रहेगा। बस 2025 से ये एक डिजिटल फॉर्म में होगा, वो ऐप हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, बट फिजिकल कार्ड जो मिलते हैं बीआरपी के वो बंद हो जाएंगे। और प्लस इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि पूरे यूरोप का जो डेटा है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी तरह की भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को लेके यूरोप वाली को खास करके किसी तरह का झूठ अपनी एप्लीकेशन में ना बोलें, नहीं तो ये आने वाले दिनों में आपको ट्रबल कर सकता है। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करते रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आज शाम को मैं 7:30 बजे इस चैनल पे लाइव करूंगा। सो जो भी आपके क्वेश्चन डाउट्स हैं वो आप मेरे से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। और वीजा कॉन्क्लेव, ये हमारे इवेंट्स कंटिन्यू हैं और अभी ये चलते रहेंगे, सो आने वाले दिनों में जिन जिन सिटीज में हमारे इवेंट हैं उनमें अपनी अपॉइंटमेंट्स आप ब्रॉडवे टीम से कनेक्ट करके बना सकते हैं, और ब्रॉड यूके के लिए पूरे पैकेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। और जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग वाले हैं, जीएनएम वाले हैं, वो यहां से डायरेक्ट वर्क परमिट ले सकते हैं, आप ब्रॉडवे टीम को उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। सो दोस्तों, वीजा कॉन्क्लेव 2023 इसे लेके हम भी रेडी हैं एंड आई एम श्योर आप भी प्रीटी मच रेडी होंगे। इस वीजा कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, और रजिस्ट्रेशन पेड नहीं है, फ्री है, लेकिन आपको हमारी वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर करना होगा या हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके रजिस्टर करना होगा। इस वीजा कॉन्क्लेव में मैं पर्सनली एवरी ब्रांच में विजिट करूंगा, आप लोगों से मिलूंगा, मेरे साथ कुछ कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, आपके प्रोफाइल्स को लेके राइट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस देंगे। और सबसे बड़े जो बेनिफिट वीजा कॉन्क्लेव में होंगे, कनाडा को लेके पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई एप्लीकेशन फीस ना पहले ली जाएगी ना वीजा लगने के बाद, एम्बेसी फीस आपको नहीं देनी है, हम देंगे, और आपको वीजे के बाद भी नहीं देनी है। सेम ऑफर लेटर की फीस भी हम देंगे, आपको वीजा के बाद भी नहीं देनी है। यूके के लिए आप पूरा केस एक पैकेज में चला सकेंगे, जहां पर आप सारे पैसे देंगे वीजा लगने के बाद। एंड सेम थिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, पूरा केस पैकेज में होगा, आप सारे पैसे देंगे वीजा लगने के बाद। एंड सिमिलर ऑप्शन फॉर यू फॉर यूएस है, जी हाँ, जो बच्चे यूएस जाना चाहते हैं, जो उसके लिए एलिजिबल है, वो भी इस पार्ट का बेनिफिट ले सकेंगे। सो कौन कौन से दिन, कौन कौन सी सिटी और स्टेट में मैं अवेलेबल रहूंगा, नोट कर लें। ये सफर शुरू होगा 27 फरवरी मंडे से जम्मू सिटी से। सो हमारा पूरा टॉप नॉर्थ का जो ऑफिस है, जम्मू ऑफिस, गांधीनगर,
उसमें, और वहां पर आप हमसे मिल सकेंगे। इसके बाद बाकी के 9 दिन रहेंगे पंजाब में। सो सारे ऑफिसेस हम कवर करेंगे, जिसमें से 28 तारीख से ये इवेंट होगा अमृतसर ऑफिस, देन 1 तारीख को ये होगा गुरदासपुर ऑफिस, देन 2 तारीख को हम मिलेंगे हुशियारपुर ऑफिस, 3 तारीख को मिलेंगे जलंधर ऑफिस, देन 4 तारीख को मिलेंगे हम बठिंडा ऑफिस, 5 तारीख को संडे है सो हम मिलेंगे लुधियाना ऑफिस, जो भी दोस्त वहां के हैं वो मिल सकते हैं, देन 6 उसके अगले दिन सोमवार को दोबारा मोगा से फिर सफर शुरू होगा, सो आप मोगा ऑफिस मेरे से मिल सकेंगे, देन 7 को आप मिल सकेंगे मोहाली ऑफिस, सो मोहाली साइड के जितने भी दोस्त हैं वहां मिल सकते हैं, एंड 9 तारीख को हम मिलेंगे जी पटियाला ऑफिस। सो पंजाब के ये 8 से 9 दिन रहेंगे। इसके बाद हम एंटर करेंगे हरियाणा में। सो हरियाणा में हमारा सफर होगा 10 तारीख से शुरू, मतलब 10 मार्च को मैं मिलूंगा आपसे अंबाला ऑफिस में, 11 मार्च को मिलेंगे करनाल ऑफिस जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था हरियाणा के अंदर, एंड 12 तारीख को अगेन संडे बट हम मिलेंगे जी और मिलेंगे कुरुक्षेत्र में, और उसके बाद 13 तारीख को कैथल में। बहुत सारे दोस्त, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें कैथल में इतना प्यार मिलेगा, और बहुत सारी एप्लीकेशंस वहां से आती हैं, सो कैथल के सभी दोस्तों को हम वहां पर मिलेंगे, सो यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। और उसके बाद 14 तारीख आएगी जी 14th of March, और हम मिलेंगे इस देश की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर, नेताजी सुभाष पैलेस में हमारा ऑफिस है, सो वहां पर आप आके मिल सकेंगे, टीम से अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। और इसके बाद एक नई स्टेट जिसने हमें उड़ान दी, हमें बड़े लेवल पे लेकर गया, दैट इज गुजरात। सो गुजरात में हमारा सफर शुरू होगा 15 तारीख को, सो अहमदाबाद 15 तारीख को हम मिलेंगे, 16 को मिलेंगे वडोदरा, एंड 17 को मिलेंगे आनंद सिटी में। सो गुजरात के दोस्त, न्यू दिल्ली के दोस्त, हरियाणा के दोस्त, पंजाब के दोस्त और जम्मू के दोस्त, इन सभी दोस्तों से मैं पर्सनली डेफिनेटली फेस टू फेस मिलूंगा, और 20 तारीख को ये सेशन होगा ऑनलाइन। सो जो दोस्त दूसरी स्टेट से रजिस्टर्ड हैं वो सब मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकेंगे 20th of March को। सो सफर को ऐसे जारी रखेंगे, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मैंने ऑफर्स आपको बताई हैं वो डेफिनेटली मिलेंगी, लेकिन ये सबसे पहले आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप ये डिटेल्स मिस ना करें। थैंक यू।